यहाँ पर एक बाबा पीपल नाथ का जो डेरा है, ऐतिहासिक यहाँ पर डेरा है या नहीं, तो बाबा जी से ही जानेंगे कि किस प्रकार। तो जैसे जी हर बार यहाँ मेला लगता है, दूर से आते हैं, तो इस बार क्या रहेगा कल? नमस्कार, आज हम फतेहाबाद जिले के गांव नागली के अंदर है, और नागली गांव एक अपना इतिहास रखता है, क्योंकि यहाँ पर एक बाबा पीपल नाथ का जो डेरा है, ऐतिहासिक यहाँ पर डेरा है, और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हर वर्ष जो इस महीने के जो इसमें लगता है, बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, श्रद्धालु बादू का जो मेला है, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर है अलग अलग, और एक ऐतिहासिक डेरा यहाँ पर है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी सी उदास भरी खबर है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इस बार जो मेले का है वो जो रद्द कर दिया गया। हालांकि जो भगत जन है वो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुछ यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन जो कल रविवार को लगना था मेला वो इस बार जो है रद्द किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लेटर जारी किया गया है। और आपको बता दें कि ये जो डेरा है बहुत ही ऐतिहासिक डेरा है बाबा पीपल नाथ का, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ झलक यहाँ की। हालांकि बहुत बड़ा डेरा है ये, और यहाँ पर जो श्रद्धालु है सिर्फ यहीं से नहीं, पूरे प्रदेश से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का पूरा जो एरिया है वहाँ से जो आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर। और आपको बताना चाहेंगे कि जो इस ऐतिहासिक डेरे में लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती है, ऐसा उनका जो भगत जन है वो यहाँ पर दावा करते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ऐतिहासिक डेरा जो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहाँ के जो प्रमुख है बाबा जी से भी बात करेंगे कि किस प्रकार जो इस बार मेला लगेगा और किस प्रकार जो है श्रद्धालु आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, उनसे बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता भी है कि ये जो दरबार है, यहाँ का जो डेरा है बहुत ही जो ऐतिहासिक डेरा है, और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की जो मांग लेकर आते हैं, और काफ़ी जो श्रद्धालु है यहाँ पर उमड़ते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर जो ये कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया। हालांकि जो भगत जन है कुछ न कुछ आ रहे हैं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, वो सारी जानकारी उनसे लेंगे। चलिए चलते हैं बाबा जी से बात करते हैं। महामारी तो इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ के प्रमुख है बाबा जी हमारे साथ है, हमने पूरा डेरा आपको दिखाया, ऐतिहासिक डेरा है ये, यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, और इस बार कोरोना महामारी के चलते काफ़ी श्रद्धालुओं के फ़ोन भी आए कि पूछ रहे थे कि वो आ सकते हैं या नहीं, तो बाबा जी से ही जानेंगे कि किस प्रकार। तो जैसे जी हर बार यहाँ मेला लगता है, दूर से आते हैं, तो इस बार क्या रहेगा कल? इस बार में ऐसा अभी अपने जो कोई क्या नाम प्रशासन की कहना है कि जैसे बीमारी से अपने दूर रहे, भीड़ भड़ाका ना करे, और ऐतवार है तो सारे ऐतवार है बाबा के आगे पीछे भी सोच सकते हो कि नहीं। तो बाबा जी जैसे कल के लिए क्या संदेश देंगे भक्तों को, जैसे भाई वो किस प्रकार आए या कैसे करें? आपने जैसे मास्क लगा के आओ, छोटे बच्चों को लेके ना आओ कि नहीं, बूढ़ा बढ़ेरा है इनको भी नहीं अपने दो का मारने का क्या नाम है, ऐसा इसमें बीमारी का खतरा रहा है। अच्छा, तो बाबा जी जैसे ये डेरा है नागली का बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे डेरे के बारे में भी, कैसे मनोकामनाएं भी पूरी होती है लोगों की, यहाँ काफ़ी दूर से लोग आते हैं। हाँ, यह 984 सिद्धू की तपोभूमि है, जो द्वापर युग से बाबा के अपने आप गुरु लोग बताते हैं कि द्वापर में यहाँ जिंदे समा गए थे 984 सिद्धू। इसके बाद में बाबा पीपलनाथ जी हुए, उनका भी कोई आज तक कोई समय का अवधि का कोई पता नहीं है, ये हजारों साल की पहले की बात है, ये गांव बसने से पहले तो सब लोगों की मान्यता है कि लोग अपने कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो बाबा के दो पूजा करके फिर उस कार्य को शुरू करते हैं, जैसे गऊ है, नाच पात है, कोई नया नवीन कार्य है, कोई अपने सारा काम बाबा के दो पूजा करके फिर कार्य शुरू करते हैं। तो बाबा जी मंदिर का निर्माण भी चला हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बताइए किस चीज़? ये 984 सिद्धों की याददाश्त है, 984 सिद्धों की अपने क्या नाम बना रहे पब्लिक, इसका भी आपने यादगिरी रहे, उनकी जो पूजा रहे, दर्शन होता रहे, अभी कार्य चालू ही है। तो कल के लिए आपका ये कहना है कि जो श्रद्धालु है वो अपना सोशल डिस्टेंस में आए, और रविवार जैसे हर बार रविवार आता है तो आप दूसरे रविवार को भी आ सकते हैं। हाँ, जब तक बीमारी ख़त्म नहीं होती जब तक, तो आपने अपनी बचाव अपने आप ही करना है, जैसे इसके हाथ धोना, शुद्धि से मास्क लगा के आना, अपने बच्चों को भी स्नान ध्यान करवा के आना, और पब्लिक से एक दूसरे से दूर रहना, एक दूसरे के आस की कोई भी चीज़ खाने की चीज़ कोई दे ले तो नहीं खाना चाहिए।
ठीक है जी, शुक्रिया जी। बताया कि जो मास्क लगाकर आप यहाँ पर आए सावधानी के साथ, और ये ऐतिहासिक डेरा है यहाँ का, ये प्रमुख बाबा जी थे, इन्होंने सब जानकारी आपको दी है।